दोस्तों हमारे गांव में देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सजावट बहुत जोर शोर से चल रही है। मतलब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए सारे लड़के गांव के एकदम लगे हुए हैं, मन लगा के एकदम सजावट कर रहे हैं। और क्या ही बताएं, गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं एकदम एक्साइटेड है। पालना देखिए श्री कृष्ण भगवान का पालना, इधर देखिए बहुत एकदम बादल जैसे जैसे वो वासुदेव जब श्री कृष्ण जी को ले के जा रहे थे वैसे तूफान आया था। दूसरा तूफान तब आया था जब गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाया था, तब भी एकदम सेम ऐसे ही मौसम हुआ था। खूब झमाझम बारिश हो रही थी और आज भी वैसे ही है। लोग तिरपाल जो है टांगे हुए हैं कि कहीं श्री कृष्ण भगवान का मंडप खराब ना हो जाए। देखिए सारे लड़के गाँव के एकदम बेचारे पकड़े हुए हैं, इतना भयंकर बारिश हो रहा है। लग रहा है सच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज बारिश को देख करके। और क्या कहा जाता है, इधर देखिए एकदम पूरा उसमें पानी भर गया है, सब एकदम पकड़ के समझ लीजिए एकदम सेम ओरिजिनल गोवर्धन पर्वत सब टांगे बस फर की तरह है कि उसको श्री कृष्ण भगवान टांगे थे, यहाँ सारे गांव के लड़के पकड़ के टांगे हुए हैं। और एकदम जो जो कुछ लोग तो पकड़ के थामे हुए हैं और सब लोग तो भाग गए हैं अपने अपने घर। और देखिए इधर मस्ती, पानी में ही मस्ती, दे दमादन पटका पटकी सब कर रहे हैं आपस में। यही तो होता है जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो लड़के उसके साथ साथ एंजॉय भी करते रहते हैं। तो देखिए एकदम जय राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज आप लोगों को पता ही होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी जो है भादो महीने के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस उसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। जो कि यूपी में, तो हम यूपी के रहने वाले तो यूपी में तो जानते हैं, लोग जोर शोर से और एकदम समझ लीजिए खुशी से झूम करके मनाते हैं। और जगह जगह पंडाल भी सजता है हमारे यहाँ मार्केट में, गाँव में लोग डीजे बजाएंगे पंडाल सजाएंगे, तो मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है। और क्या कहा जाता है, इसलिए आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे और हमेशा आप लोग खुशहाल अपने फैमिली के साथ जीवन व्यतीत करते रहें। और यहाँ देखिए हमारे पापा, हमारे यहाँ का क्या है, सब लोग चाय नाश्ता कर लिए हैं और जो है पापा पेपर पढ़ रहे हैं और मम्मी दीदी से बात कर रही हैं। तो चलिए हम तो पूजा पाठ कर लिए हैं, आप लोग भी आशा करते हैं नहा धो करके पूजा पाठ कर लिए होंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो है और सब लोग पूजा पाठ कर ही चुके थे, नाश्ता पानी हम जा रहे हैं पूजा करने। और आइए आप लोगों को अपना छोटा सा मंदिर दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा मंदिर, जहाँ पर देखिए फूल मालाएं सब चढ़ी हुई हैं। और क्या कहें, सब लोग क्योंकि घर में पूजा कर लिए हैं, हम ही थोड़ा पिछड़े हुए थे, सारा काम धाम करके नहा धो लिए हैं, चल रहे हैं पूजा करेंगे, जिसका वीडियो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए मंटू सुबह सुबह नहा के यहाँ पूजा कर रही है। देखिए नहीं तो रोज सुबह जल्दी इतना सुबह नहीं नहाती है। आप सब देखिए पूजा कर रही है, यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गया है, साथ में आरती और घंटी साथ में टन 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 बजाया जा रहा है, इसलिए आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा मगर आप लोग को दिखा रहे हैं। दोस्तों चाय हुए पी चुके हैं और घर में सब लोग पी लिए थे, हम घर से बाद में पिए हैं, तो सब सबका बर्तन धुल रखा था, जो लास्ट में बचा था बर्तन वही नाश्ते वाला बर्तन धुल रहे हैं। अभी धुलने के बाद जो नहाए हैं अभी चलेंगे कपड़ा धुलेंगे। दोस्तों सारा कपड़ा धुल लिए हैं, अभी धुल के ही फैला रहे हैं। आज हमारे यहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब है और देखिए रह रह के बारिश होने लग रही है, इसलिए कपड़ा सूखने में भी लग रहा है कि रात हो जाएगा, कपड़ा सही सूख नहीं पाएगा।